हेलो दोस्तों, न्यू टेक चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल से गूगल अकाउंट कैसे बनाएं? अगर आप भी गूगल अकाउंट या जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से नया गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके न्यू टेक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद आपको गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपका सबसे पहले जो गूगल अकाउंट है उस पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे आपका सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप गूगल अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो दो नंबर ऑप्शन टू मैनेज माई बिजनेस पर टैप करना है, और यदि आप गूगल अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन फॉर माई सेल्फ पर टैप करना है। उसके बाद आपको नेम एंड सरनेम लिख के नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन शो होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसके बाद जेंडर पर टैप करके जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिंपली नेक्स्ट बटन पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे आपका सामने क्रिएट ए जीमेल का ऑप्शन शो होगा, तो उस पर टैप करके आपको एक यूनिक जीमेल नेम लिख के नेक्स्ट बटन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको 8 डिजिट या उससे ज़्यादा लेटर और नंबर से एक यूनिक पासवर्ड लिख के नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल का फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट बटन पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों, जो नंबर ऐड किया वही नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के नेक्स्ट कर देना है। वैसे ओटीपी ज़्यादातर मोबाइल में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। उसके बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एस आई एम इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर टैप करना है। उसके बाद आपने जो गूगल अकाउंट क्रिएट किया वो यहाँ पर शो होगा, और नीचे की तरफ नेक्स्ट बटन दिख जाएगा, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका सामने प्राइवेसी एंड ट्रम का एक पेज शो होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और आई एग्री पर टैप करना है। दोस्तों, फाइनली आपका जो गूगल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसको प्ले स्टोर, यूट्यूब या किसी भी ब्राउज़र पर यूज़ कर सकते हैं।